हेलो दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर आ रही है जो बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। बिहार के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 15 अप्रैल से 15 मई तक है। इसमें मुख्य रूप से बिहार के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी से संबंधित बातें बताई गई है। आप देख सकते हैं कि नियोजित शिक्षक और बीपीएससी TRE 1 और 2 से चयनित जो भी शिक्षक है वे अभी विद्यालय में अपनी सेवा एक साथ दे रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए के पाठक सर ने स्कूली बच्चों को विशेष क्लास देने की व्यवस्था किया की कर रहे हैं। अक्सर देखा जाता था कि गर्मी की छुट्टी जब होती थी तो उसमें बच्चों के साथ साथ शिक्षकों की भी छुट्टी मिल जाती थी, लेकिन इस बार वैसा नहीं है। इस बार बच्चे जो विशेष रूप से पढ़ना चाहते हैं वो आएंगे और शिक्षक भी विद्यालय में आएंगे और ट्यूशन की तरह 2 घंटा वो अपना क्लास लेंगे और फिर अपने घर जाएंगे। राज्य के सभी सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी में पढ़ाई होगी। हर कार्य दिवस को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी में उन छात्राओं की पढ़ाई होगी जो 9वीं कक्षा एवं 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल कर गए हैं या उसमें शामिल ही नहीं हुए। विशेष कक्षाओं का संचालन सवेरे 8 बजे से 10 बजे तक होगा। 9वीं कक्षा एवं 11वीं कक्षा कि वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण छात्र छात्रा भी विशेष कक्षा में शामिल होना चाहेंगे तो उन्हें शामिल किया जाएगा। हर दिन विशेष कक्षाओं के संचालन के बाद ही प्रधानाध्यापक नए बच्चों के नामांकन की कार्रवाई करेंगे तथा नामांकित बच्चों का विवरण ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। नामांकन में आधार जरूरी है। माध्यमिक विद्यालय स्तर पर ही आधार कार्ड निःशुल्क बनाने की व्यवस्था की गई है। गर्मी की छुट्टी में भी विद्यालयों की साफ सफाई होगी। हाउस कीपिंग का काम चलता रहेगा। ICT कक्षाएं भी सवेरे 8 बजे से 10 बजे तक चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस बार बिहार के स्कूलों में सरकारी शिक्षकों की गर्मी की छुट्टी नहीं मिलेगी। 9वीं और 11वीं में फेल छात्रों की विशेष कक्षाएं सुबह 8 बजे से चलेगी, जो हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से बहुत ही अच्छा से छपा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे आप देख सकते हैं और भी विशेष जानकारी दी गई है। नवसृजित 70,000 स्कूलों के नाम बदलेंगे। जुलाई के बाद शुरू होगी स्कूलों के नाम में बदलाव करने की यह प्रक्रिया। नवसृजित उत्क्रमिक के बदले राजकीय देशभक्तों के नाम पर होगा स्कूल। भागलपुर के 546 विद्यालयों के बदले जाएंगे नाम, तैयारी में जुटा विभाग। देखिए, प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि बिहार के 70,000 नवसृजित विद्यालयों के नाम बदले जाने हैं। इसकी तैयारी की जा रही है। क्रमवार स्कूलों के नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सभी जिलों से ऐसे स्कूलों की विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है और महापुरुषों के नाम उस विद्यालय पर अंकित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह आज की बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स दोस्तों।